मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज विधानसभा में हुए घटनाक्रम के बाद एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने यह कहा कि उन्होंने भारी मन से सदन का बहिष्कार किया है। उन्होंने यह भी कहा कि सदन के वरिष्ठ सदस्य होने के बाद भी एक ऐसे सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया जिसका कोई महत्व नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि सदन में नियम और परंपरा की धज्जियां कांग्रेस सरकार उड़ा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग भी कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। उल्लेखनीय है कि आज अध्यक्ष पद के लिए जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सड़क पर जुलूस भी निकाला गया। उनका यह भी कहना था कि आज चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हुई और एक ही नाम के चार प्रस्ताव पड़े गए। पांचवे में विजय शाह का नाम था और इसे बिना सुने ही एनपी प्रजापति का नाम ले लिया गया। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो गला घोटा जा रहा है उस फैसले का हम विरोध करते हैं और हम मूक दर्शक होकर भी नहीं बैठेंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें।